स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। तो आज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है वो फॉर्मूला डिराइव करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है उसकी जरूरत पड़ने वाली है और इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसकी जरूरत पड़ने वाली है। और हमने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो मान लो यहाँ पर हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लिए हैं। ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब हमने यहाँ पर माना कि एक हमने Q नॉट टेस्ट चार्ज लिया। ये क्या है स्टूडेंट्स? Q नॉट जो है यहाँ पर ये एक टेस्ट चार्ज है। इस टेस्ट चार्ज को हमें क्या करना है? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करने में जो वर्क हुआ वो हम वर्क निकालेंगे। इसी तरह से एक और वर्क का हम अदर फॉर्मूला लेंगे। तो दोनों ही वर्क के जो फॉर्मूले हो जाएंगे तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं। और वही फॉर्मूला हमें एक रिलेशन देगा जिस रिलेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों को। तो देखते हैं कि किस तरह से ये रिलेशन हम डिराइव कर सकते हैं। एक हमने प्लस क्यू चार्ज लिया है। ये क्या है? टेस्ट चार्ज है। ये क्या है? ये जितने भी अपन ने सर्फेसेस बनाए हैं ये सर्फेसेस हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। अब क्या करना है? इस टेस्ट चार्ज को एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर हमें शिफ्ट करना है। तो मान लो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? dr डिस्टेंस है। तो दो सरफेसेस, दो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हमने कंसीडर की है वो कितनी है? स्मॉल dr। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अब हमें इस डिस्टेंस के लिए क्या करना है? इस एक सरफेस से इस क्यूनॉट चार्ज को एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे हमें शिफ्ट करना है। तो मान लो इसके अंदर जो वर्क हुआ वो कितना होगा? माइनस क्यूनॉट डीवी। ये क्या होगा? क्यूनॉट टेस्ट चार्ज को एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर शिफ्ट करने में जो वर्क हुआ वही वर्क डन क्या है? डी डब्ल्यू है। क्योंकि हमने डी आर डिस्टेंस पर इसको शिफ्ट किया है और ये जो डीवी है वो क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों सरफेसेस के बीच का। मान लो एक सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हो सकता है कि दोनों ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो ये जो dv है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों सरफेसेस के बीच। माइनस q नॉट, माइनस हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क होगा। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास एक इक्वेशन हो ये कंसिडर हमने कर ली है, दूसरा वर्क डन हम किस तरह से निकाल सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट। हमने डी आर डिस्टेंस पर प्लस क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है उसको हमने एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे शिफ्ट किया है। डिस्टेंस है हमारी डी आर और ये जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। वर्क डन कितना हुआ? डी डब्ल्यू। तो इस तरह से हमें दो फार्मूलाज मिलते हैं। यहाँ पर कितने फार्मूलाज मिलते हैं हमें? वर्क डन के दो फार्मूलाज मिलते हैं। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो हम क्या लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स का एक फार्मूला हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, कि फोर्स अपॉन क्यू नॉट होता है। फोर्स अपॉन क्यू नॉट हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ जो फोर्स होगा वो कितना होगा? ये फोर्स हम निकाल सकते हैं क्यू नॉट ई वेक्टर। तो यहाँ हम लिख देंगे डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट ई वेक्टर और डी आर वेक्टर। ये हो गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब इसको भी आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। हम डॉट हटाते हैं, हमारे पास आता है कोस थीटा, क्योंकि ये इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट है। तो हम लिख सकते हैं क्यू नॉट ई डी आर कोस थीटा। ये हमारे पास आती है फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ डी डब्ल्यू की दोनों इक्वेशन का हमको क्या करना है? कंपैरिजन करना है। जैसे ही हम कंपैरिजन करते हैं हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों के बीच
बीच में एक रिलेशन हमें मिलता है जैसे ही हम उनका कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए क्या होगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं कि यहाँ दोनों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं हम क्यू नॉट, इन दोनों इक्वेशन को हम ठीक पर लिख सकते हैं क्यू नॉट ई डी आर कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट डी। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं क्या देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ई कोस थीटा ये एक कंपोनेंट है ई का आर वेक्टर के डायरेक्शन में, तो ई कोस थीटा हमने लिख दिया है क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट कर देंगे तो डी वी अपॉन डी आर हमारे पास ये फॉर्मूला हम लोगों को मिलता है। यहाँ पर e cos theta क्या है, e cos theta is a component in the direction of r vector। तो अगर e cos theta r vector के direction में एक component है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सफिक्स में आर लगा के ई आर वेक्टर लिख सकते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो डेल वी अपॉन डेल आर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ हम क्या देखते हैं कि हमने डब्ल्यू का फॉर्मूला बनाया किससे, ये वाला जो फॉर्मूला है वो किससे बना है, हमने पोटेंशियल पढ़ा था वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो डब्ल्यू से क्या निकल के आता है हमारा फॉर्मूला क्यू नॉट वी निकल के आता है। लेकिन हम यहाँ पर डी आर डिस्टेंस एक कंपोनेंट है डिस्टेंस का, तो उस कंपोनेंट पर एलिमेंट पर हम जब वर्क निकाल रहे हैं तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो भी वी की जगह क्या लिखा जाएगा, डी वी लिखा जाएगा। तो हम लिखते हैं डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट वी। यहाँ दूसरा फॉर्मूला हम लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला, तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया फोर्स का हमने फॉर्मूला रखा क्यू नॉट ई वेक्टर, देन डॉट हटाया cos theta, डॉट प्रोडक्ट है cos theta आ गया। अब हमने क्या किया फोर्थ इक्वेशन का फर्स्ट के साथ कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करने पर हमें e cos theta equals to minus dv upon dr ये फॉर्मूला मिलता है। e cos theta हम देखते हैं e cos theta क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट है, कौन सी डायरेक्शन में, r वेक्टर की डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं E R equals to minus del V upon del R। तो students अगर हम देखें कि ये जो E R है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम X Y Z के अगर component में देखें with the unit vectors I cap J cap and K cap, तो हम इसको formula में क्या लिखेंगे, E R vector equals to E X I cap plus E Y J cap plus E Z के, इस तरह से हम लिखेंगे। अब अगर ER के इस फॉर्मूले को हम EX, EY और EZ में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, EX के लिए ये जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा माइनस डेल V अपॉन डेल X, EY वेक्टर के लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस डेल V अपॉन डेल Y एंड EZ के लिए सिमिलरली ये जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा डेल V अपॉन डेल Z। तो ये तीन कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड के हमें फॉर्मूलास मिलते हैं। तो यहाँ भी कुछ स्टूडेंट्स हमें क्या मिलता है कि यहाँ पर डेल V अपॉन जो डेल R है ये R भी X, Y, Z तीनों कंपोनेंट्स में चेंज हो गया, साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो R के डायरेक्शन में कंपोनेंट था वो अलग अलग x, y, z के डायरेक्शन में कंपोनेंट हमें मिल जाते हैं। ये तीनों कंपोनेंट को ऐड करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो देखिए इस तरह से ये डेरिवेशन करते हैं आगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, या इक्वल्स टू देखो ex की जगह हमें पुट करना है माइनस del v अपॉन del x, हमने पुट किया माइनस del v अपॉन del x i कैप माइनस del v upon del y j minus del v upon del z k। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, del upon del x i cap plus del upon del y j cap plus del upon del z k और v भी हम बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट के। अब देखो स्टूडेंट्स हम क्या देखते हैं कि हमें एक क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक ऑपरेटर मिल रहा है
जो कि किसके ऑपरेट हो रहा है, पोटेंशियल पर ऑपरेट हो रहा है, और ये जो क्वांटिटी है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें रिलेशन क्या निकालना था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये जो वेक्टर है, इस ये जो हमारे पास ऑपरेटर है, इसको क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर बोलते हैं। इसको हम लिख लेते हैं डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। ये जो ऑपरेटर है इसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर। ये क्या कहलाता है, डेल ऑपरेटर, या फिर इसको हम ग्रेडियंट भी लिखते हैं, इसको हम ग्रेडियंट भी लिखते हैं। तो अब देखो इसको किससे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट किससे किया जाता है, ई कैप इक्वल्स टू माइनस, इसको हम लिखेंगे इस तरह से, ये डेल है जो कि क्या होगा, डेल ऑपरेटर। ये पूरी जो क्वांटिटी है वो ये है। फिर हम लिख देंगे वी, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, वहाँ पर ब्रैकेट के बाद वी हमने लगाया है। तो ये जो डेल है वो इस कंप्लीट ब्रैकेट वाली जो टर्म है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है, डेल ऑपरेटर है। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, माइनस ग्रेड, ये जो ग्रेड होगा ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को शॉर्ट फॉर्म में हम ग्रेडियंट इस तरह से लिखते हैं, ग्रेड वी। तो ये हमारे पास रिलेशन फाइनल आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, जो कि क्या होगा, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी कैसी है, नेगेटिव में है। तो ये इक्वल होगी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज का ये जो टॉपिक था उसमें हमने क्या बताया कि एक Q0 टेस्ट चार्ज हमने लिया है, बहुत सारे हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर Q0 चार्ज को जब हम लेकर जाते हैं तो उसमें क्या होता है, वर्क होता है। और वही वर्क डन जो है वो हमें फॉर्मूले के थ्रू लिखना है। हमने लिखा माइनस Q0 dV, और एक हमने वर्क का फॉर्मूला बनाया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि एक फॉर्मूले में हमारे पास पोटेंशियल आ रहा है और एक फॉर्मूले में F की जगह हम जब Q0 E लिखेंगे तो वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो दो वर्क के फॉर्मूलाज हैं, दोनों में हमारे पास एक में आ रहा है पोटेंशियल, दूसरे में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोनों का ही जब हम कंपैरिजन करते हैं, दोनों को इक्वल रखते हैं, तो एक हमें रिलेशन मिलता है जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन। और यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये कैसा चेंज है, नेगेटिव चेंज है। तो ये किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा। और ये जो है वो देखने वाली बात है कि यहाँ पर ये टर्म क्या कहलाएगी, डेल ऑपरेटर कहलाएगी। तो इस तरह से इस डेरिवेशन को हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।